नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। व आम जनता असहनीय समस्या समाधान शिविर आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 सहित देश के अंदर सक्रिय समाज के हित में काम कर रही व्यवस्थाओं द्वारा सही दिशा में कार्य न करने के कारण आज हमारे देश के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर लोग असहनीय समस्याओं का सामना कर इस समय गंभीर परिस्थिति में रह रहे हैं, जिनमें एक राहत देने के उद्देश्य से हमने ऑपरेशन विजय के इस मंडल कार्यालय पर अपने साथ जुड़े व समाज हित की सोच रखने वाले लोगों के साथ विचार विमर्श कर एक प्लान बनाया, जिसके तहत यहां पर पिछले 13 सितंबर को और आज सीधी भर्ती रोजगार शिविर व आम जनता असहनीय समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने हिस्सा लिया और अपना साक्षात्कार व अपनी समस्या ऑपरेशन विजय द्वारा आयोजित किए गए इस शिविरों से बड़े पैमाने पर लोगों ने हमें फोन कर इस अभियान को बहुत ही उच्च शब्दों में सराहना की है। इससे ऑपरेशन विजय से जुड़े पदाधिकारियों सदस्यों के हौसले बुलंद हैं और यह अभियान लगातार प्रत्येक रविवार को इसी तरह आयोजित होता रहेगा। सीधी भर्ती रोजगार शिविर व असहनीय समस्या समाधान शिविर जो लगाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आज हमारे समाज में कोविड-19 एवं जो देश और समाज के लिए जो व्यवस्थाएं बनी हैं उनका सही दिशा में काम न करने के कारण हमारा समाज इस समय बहुत ही गंभीर असहनीय समस्याओं को झेल रहा है। उनमें से एक है बेरोजगार। तो हमने जो है हमारे साथ जुड़े जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों सहित जो व्यापारिक क्षेत्र के लोग हैं उनके विचार विमर्श कर हमने कहा कि ऑपरेशन विजय के मंडल कार्यालय पर आप जो है अपने प्रतिनिधि भेजकर सीधी भर्ती करिए और यह भर्ती पूरी तरह से निःशुल्क है, कहीं किसी को कोई एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। साथ ही हमने कहा कि जो हमारे समाज के अंदर नशा, अपराध, घरेलू कलह, हत्या और आत्महत्या जैसे जो संगीन कदम लोग उठा रहे हैं वो असहनीय समस्याओं के कारण, तो हमने एक आम जनता असहनीय समस्या समाधान शिविर भी प्रत्येक रविवार को लगाने का फैसला किया है, जिसमें लोग हमारे पास आते हैं और उनकी समस्या को हम उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के जो YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें।